So I was telling about some interesting things that I heard, and also some interesting things that I could foresee. So मैं एक चाणक्य पंडित एक तो एग्जाम्पल दे रहा है, तो उससे मैं बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा वो वाला एग्जाम्पल। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा वो एग्जाम्पल मेरे को, तो मैं वो एग्जाम्पल स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेट कर रहा था मैं। तो चाणक्य पंडित जो भी बोला है वो घुमा के बोलता है, लेकिन वो एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बोलता है। वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वॉन्टेड पीपल टू बी गॉड कॉन्शियस। तो चाणक्य पंडित एक एग्जाम्पल दे रहा है, सांप का एक एग्जाम्पल दिया है, स्नेक। ऑल्दो इट इज नॉट ए वेरी यू नो डिजायरेबल एनिमल स्नेक, पीपल डोंट नो इट इज नॉट एट ऑल वेरी डिजायरेबल, लेकिन इसे इस सांप से एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी ड्रॉ कर रहा है चाणक्य पंडित। जस्ट वेट ए मिनट, आई the camera picture will be clear. Yes, so he is telling that dekhiye manushya sab saap se darta hai ki nahi, sab koi saap se darta hai, koi dekhta hai to darta hai, lekin saap ka saap se kyu darta hai लोग, क्योंकि बहुत ही डेंजरस एनिमल है, कुछ भी कर देता, काट लेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन चाणक्य पंडित एक तो इंपॉर्टेंट जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है कि सांप बड़ा जल्दी इधर उधर चल जाता है, इतना स्पीड से वो चलता है, वो भी एक डर का कारण है। तो देखिए ये इतना डरावना एनिमल है सांप, लेकिन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इसका कि इसका कोई पैर नहीं है। स्नेक डजंट हैव एनी लेग, कोई पैर नहीं है सांप का। अमेजिंग थिंग। तो सांप आराम से बोल सकता था कि मेरा पैर नहीं है तो मैं चलूंगा कैसे, बहुत ही आराम से वो एक्सक्यूज दे सकता था, बहुत ही आराम से, बहुत ही ज्यादा आराम से दे सकता था, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं दिया सांप, और वो डिटर्मिनेशन दिखाया, और इतना जोर से वो भागता है और इतना फुर्ती दिखाता है कि मनुष्य उससे डर जाता है। सोचिए। सो सिमिलरली इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो देर विल बी मेनी सिचुएशंस वेयर वी कैन वेरी इजीली गिव एक्सक्यूज, नो प्रॉब्लम अबाउट गिविंग एक्सक्यूजेस, यू नो। Just like snake could have easily given the excuse that I cannot move because I don't have any leg. जो दूसरा एनिमल होता है कैटरपिलर हो गया, जो इसको बोलता है बंगाली में क्या बोलता है, शुअपोका, what is called it in English, you know, forgetting the name. There are many animals. Reptiles who has many legs, multipede, you know, millipede, many legs are there. They move slowly. But a snake without having leg, it moves
thousands of times more faster than those insects who are having many, many legs. So everything depends on determination. Determination of the individual. In spiritual life also, it's a very big thing about determination of the individual. Determination bahut matter karta hai. So jiska jitna determination hai spiritual life ke prati, wo itna aage badhega. And there will be many challenges, but still his determination is sure, then he will progress very, very fast. And the biggest example I see in my life, His Holiness Jayapata Goswami Guru Maharaj, when I heard this time around that in the hospital bed, when the operations were going on, so whose time pe Guru Maharaj, every day he chanted 20 rounds. I don't know how he did it, So that is a big example, extraordinary example of determination. So this was the first story. This very much striked, this analogy of Chanaka Pandit very much striked. So another story I heard which very much striked, very much it gave a lot of striking lesson, a very important striking lesson to me. That story is वो जो कहानी है वो है मोती सेठ का कहानी. मोती सेठ का कहानी. तो ये मोती सेठ कौन था? ये मोती सेठ मोती विक्रेता, मोती का बिजनेस करने वाला, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो मोती का बिजनेस करता था. तो इसलिए उसका नाम पड़ गया मोती सेठ. तो क्या हुआ एक दिन कि मेरे मोती सेठ को बहुत सारा मोती, एक किलो का मोती, उसको कहां से कहां ले जाने वाला था, वो उसको नदी का इस पार से नदी का उस पार में उसको लेके जाना था. तो ये मोती क्या कि वो नाव में चढ़ा, नाव में चढ़ के ये मोती, एक किलो मोती लेके जा रहा है. तो सडनली क्या हुआ, जब नाव बीच में है, जब नाव बीच में है, तो ये मोती सेठ, सिट डाउन फॉर द क्लास, वेर यू आउटसाइड. सो मोती सेठ जब हिंदी बुझते पड़ो, हिंदी ठीक है, तो मिडिल में था ये जो नाव, मिडिल में था मोती सेठ और मोती सेठ का नाव, और नाव वाला था जो नाव चला रहा था. और जब नाव में एक किलो मोती के साथ मोती सेठ जा रहा है, तो उस नाव जब मिडिल में है, रिवर का, नदी का मिडिल में है, तो बहुत जोर से क्या हो गया, बहुत जोर से आधी तूफान आ गया, बहुत जोर से आधी तूफान आ गया. अब क्या हुआ, अब नाव वाला जो नाव चला रहा है, वो मोती सेठ से पूछा कि आपको तैरना आता है कि नहीं. यस, डू यू नो स्विमिंग? मोती सेठ बोला कि नहीं, मेरे को तैरना नहीं आता है.
तो नाव इधर इधर होने लगा, इधर उधर डलमल डलमल टकबक टकबक कर रहा है, पूरा एकदम टलमल कर रहा है। और मोती सेठ नाव से गिर गया, लेकिन नाव वाला नाव से नहीं गिरा, नाव वाला और ना ही मोती गिरा था, मोती वो भारी था वो भी नहीं गिरा था, लेकिन मोती सेठ गिर गया। और नाव वाला क्या किया, तुरंत उसको हाथ पकड़ के सामाओ जल्दी से एकदम उसको उठा लिया नाव में, वापस बचा दिया उसको नाव वाला, बहुत एक्सपर्ट था वो। तो मोती सेठ बहुत खुश हो गया कि आप मेरा जीवन रक्षा किए हैं। तो वो बोला, मोती सेठ नाव वाला को बोला कि तुम मेरा जीवन को बचाया है, इसलिए मैं तुमको एक रिवार्ड दूंगा। इतना जो मोती है उसका 75% तुम ले लो, 75% तुम रख लो, तुमको हम दे देंगे। तो फिर नाव और किनारे में गया। मोती सेठ सोचा, अरे 75% को ज्यादा बोल दिया है मैं, इतना बोलना नहीं चाहिए था। तब बोला, नहीं नहीं 50% दे दूंगा, उतना 75% तुम रखने लायक नहीं है, तुम वो चोरी कर लेगा कोई तुम्हारे से, वो 50% ही लो तुम, ठीक है। अब नाव फिर से और नदी के किनारे गया, तब मोती सेठ बोल रहे, नहीं 50% छोड़ो, 25% से खुश रहो, 25% से खुश रहो, चिंता मत करो। और नाव जब पूरा नदी के किनारे चला गया, एकदम जब वो बैंक में टच कर गया, तब मोती सेठ बोल रहा है, अरे तुमको दो मोती दे दे रहा हूं, उसी से खुश रहो तुम क्या करोगे इतना मोती लेके। तो देखिए इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, जब नाव का बीच में था उसका जीवन बचा दिया, तब बोला 75%, और लास्ट में जब गया नदी के किनारे आ गया नाव ठो, तब दो मोती देके मोती सेट चला गया। इससे हम लोग जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा हम लोग ले सकते हैं कि कभी कभी जीवन में कभी कभी हम लोग का डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, समटाइम्स वी विल फील, समटाइम्स पॉजिटिव थॉट्स विल कम इन द माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग आएगा माइंड में कि चलो सडनली मतलब सुबह उठ के चैंटिंग करने का मन करेगा, हाँ पॉजिटिव थॉट्स आएगा सारा दिन में, पॉजिटिव थॉट्स आता है कुछ कुछ, एटलीस्ट जो लोग चैंटिंग कर रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करने का कोशिश कर रहा है, मेनी टाइम्स पॉजिटिव थॉट्स आर कमिंग। सो व्हेन द पॉजिटिव थॉट्स आर कमिंग and positive determination is coming in the mind, immediately we should do it, we should not delay, that is the main thing, because if we delay agar delay karenge to maya haavi ho jata hai hum log ka upar। moti set usi time pe 75% moti usko de deta, uska pocket mein de deta, bas koi chinta nahi rehta tab। लेकिन वो क्या किया, डिले कर दिया वो, और फिर नदी का पार में जा रहा है और उसका डिटर्मिनेशन घट रहा है 75% से क्या हो गया, 2% भी नहीं रहा। सोचिए, सो दिस इज व्हेनेवर वी आर फीलिंग दैट यस आई शुड डू बुक रीडिंग, डू इट इमीडिएटली और डू इट ऑन दैट डे ओनली, कीप द डिटर्मिनेशन not to delay. When we are getting time to chant Hare Krishna, don't waste time in that time. Otherwise if we delay, what will come, thoughts of material things will come, or maya havi ho jayega, it will become prominent. So this is a very important lesson in our day to day life,
to immediately do the positive spiritual things whenever it comes to the mind, as soon as possible, not to delay. तो ये भी एक मतलब कहानी जो बहुत अच्छा लगा मेरे को रिसेंटली सुन के, लाइफ में लेसन ले पाया इससे. तो मैं अद्वैत आचार्यों का बारे में मैं बोलूंगा. तो अद्वैत आचार्यों के बारे में बोलने के बाद मैं और एक थ्रिलिंग कहानी मैं बोलूंगा. तो अद्वैत आचार्य कौन थे? कंबाइंड इनकार्नेशन ऑफ महाविष्णु एंड सदाशिव. सदाशिव और महाविष्णु. महाविष्णु कौन है? महाविष्णु वो भगवान कृष्ण का अवतार है. जो विष्णु अवतार कारण समुद्र में सोया हुआ रहता है. और जब महाविष्णु जब अपना जो श्वास है उसको छोड़ता है तब सब यूनिवर्स क्रिएट होता है. और महाविष्णु जब श्वास को अंदर लेता है तो सब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होके उसका शरीर के अंदर समा जाता है. और सभी जीवात्मा जो यूनिवर्स में था वो जीवात्मा महाविष्णु का शरीर में एंटर करके वो सोया हुआ स्थिति में रहता है, नींद का स्थिति में रहता है. और फिर से जब महाविष्णु जब अपना श्वास को छोड़ता है, फिर यूनिवर्स जब क्रिएट हो रहा है, फिर सब यूनिवर्सेस में वही जीवात्मा फिर से घुस जाता है, वही सिचुएशन से फिर से स्टार्ट करता है. तो ये क्रिएशन डिस्ट्रक्शन जो है, ये क्रिएशन डिस्ट्रक्शन ये मटेरियल वर्ल्ड का ये चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेम्पोररी वर्ल्ड. दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पोररी. सो यू नो दिस थिंग विल बी रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन व्हेन वी स्टडी द बुक्स ऑफ प्रभुपाद. देन यू शुड नो, अदरवाइज वी फील दैट ओ दिस वर्ल्ड इज मीन फॉर माई एंजॉयमेंट, वी फील लाइक दैट. सो यही महाविष्णु और सदाशिव इनका कॉम्बाइंड इनकार्नेशन अवतार है. कौन? अद्वैत आचार्य. तो अद्वैत आचार्य ही भगवान को चैतन्य महाप्रभु जब जो आया इस दुनिया में, इस धरती में, पृथ्वी लोक में, तो कौन बुलाया था? अद्वैत आचार्य बुलाया था. तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, जिनका बारे में, जिनका गुणगान सारा दुनिया गा रहा है, तो कौन उनको बुलाया है? श्री अद्वैत आचार्य. उनको और एक नाम से बुलाया जाता है, गौर आना ठाकुर. जो भगवान गौरांग महाप्रभु को लाया था, गौर आना ठाकुर. सो अद्वैत आचार्य अगर नहीं होता तब चैतन्य महाप्रभु को कैसे मिलता हम लोगों को, और चैतन्य महाप्रभु का कृपा को हम लोगों को कैसे मिलता? नहीं मिलता हम लोगों को. तो अद्वैत आचार्य एकदम प्रथम जो फर्स्ट एसोसिएट्स भगवान चैतन्य महाप्रभु का, जितना भी पार्षद थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु से भी 50 से 60 साल पहले अद्वैत आचार्य इस पृथ्वी में आ गया था. तो महाविष्णु और सदाशिव, शिव जी जो कैलाश धाम से आया है, जो वैष्णवा नाम यथा शंभु, टॉप मोस्ट वैष्णव शिव जी और महाविष्णु एक साथ है अद्वैत आचार्य के शरीर में. तो चैतन्य चरितामृत में ये कोट है, महाविष्णु जगत कर्ता माया या सृजति अद अद्वैतम हरि हरि नद्वैतम आचार्यम भक्ति शश्नत, ये दिया हुआ है. तो
Mahavishnu is the master of the universe. He is the creator of the universe. He is the master of Maya Devi also. So Advaita Acharya, जब इस धरती में आया था तब उसी टाइम पे श्रील माधवेंद्र पुरी ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी कौन था? ईश्वरपुरी इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव थे ईश्वरपुरी. जगन्नाथ मिश्रा उनके पिताजी थे, सची माता उनके माँ थे. तो इसी टाइम पे जब इन लोगों का जन्म हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के माता पिता का जन्म हुआ था, उसी टाइम पे अद्वैत आचार्य इस मेटेरियल वर्ल्ड में आया. तो अद्वैत आचार्य किन से दीक्षा लिया? श्रील माधवेंद्र पुरी से दीक्षा लिया. तो माधवेंद्र पुरी बहुत ही फेमस आचार्य है, बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य है हम लोग का गुरु परंपरा में. तो माधवेंद्र पुरी का बहुत सारा लीला है. हम लोग इस बार प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जब दुर्गा पूजा का छुट्टी रहेगा उस टाइम पे हम लोग नाथ द्वार में जाएंगे, ऐसा प्लान है. नाथ द्वार में जो विग्रह है श्रीनाथ जी, वो माधवेंद्र पुरी का विग्रह है. और माधवेंद्र पुरी रिलेटेड बहुत सारा पास्ट टाइम वहां पे हम लोग होपफुली सुनेंगे. तो राजस्थान और वृंदावन ये टूर करने का इस बार प्लान है. दुर्गा पूजा में चतुर्थी के टाइम ही हम लोग निकल जाने का प्लान है, चतुर्थी के दिन. तो जयपुर, नाथ द्वार और भी जगह पे राजस्थान का और वृंदावन में हम लोग का प्लान है. अगर सब कुछ सिचुएशन ठीक रहे तो हम लोग अवश्य जा पाएंगे. तो मैं माधवेंद्र पुरीपाद के बारे में उतना मैं डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ. तो अद्वैत आचार्य के बारे में मैं और थोड़ा बताऊंगा. तो उनके पिताजी का नाम था कुबेर पंडित और उनके माता का नाम था नौभा देवी. तो ये नवोग्राम बोल के एक जगह था. ये नवोग्राम का इनहेबिटेंट्स और यहाँ पे उनका माता पिता रहते थे नवोग्राम में. तो उसके बाद उनके माता पिता नवोग्राम से कहाँ आ गया? शांतिपुर में आ गया. तो गंगा के तट पे शांतिपुर में अद्वैत आचार्य तो उनका अपीयरेंस हुआ. तो नहीं, अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस हुआ था नवोग्राम में ही, शांतिपुर में नहीं हुआ था. शांतिपुर में बाद में आया था, नवोग्राम में ही जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव से 60 साल पहले, 50-60 years अराउंड दैट. लेकिन अप्रकट हुआ, डिसअपीयरेंस भगवान जो अद्वैत आचार्य का 125 साल में उनका डिसअपीयरेंस हुआ. 125 years अद्वैत आचार्य ही लिव्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. तो बहुत ही स्कॉलरली थे, समस्त शास्त्रों वेद में एकदम पूरा बहुत बहुत ज्यादा स्कॉलरली थे अद्वैत आचार्य. इसलिए आचार्य टाइटल दिया गया था उनको. तो शांताचार्य बोल के एक बहुत ही फेमस आचार्य थे शांतिपुर में, उनके अंडर में समस्त शास्त्र का पठन पाठन किया. तो देखिए, भगवान भी जब आते हैं, अद्वैत आचार्य तो भगवान है कि नहीं? महाविष्णु इज विष्णु हिमसेल्फ भगवान. तो वो भी जब आते हैं तब गुरु का शरणापन्न होते हैं. चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं है, लेकिन जब आया तब ईश्वर पुरी को अपना गुरु का रूप में स्वीकार किया. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखा रहा है, एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर इन वन्स लाइफ. चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर सिखा रहे. कृष्ण जब आया था
तब उनको कौन उनका किसको अपना गुरु का रूप में स्वीकार किया था, कोई आंसर दे सकता है इसका? Who was the guru of Lord Krishna, whom Lord Krishna accepted as his guru? Sandipani. Any answers? Sandipani Muni. Sandipani Muni. Ujjain mein. Sandipani Muni ashram abhi bhi hai. तो ये तो ज्यादातर टाइम शांतिपुर में ही बिताया अद्वैत आचार्य. शांतिपुर कहाँ पे है? नवद्वीप से, मायापुर से 40 मिनट्स लगता है शांतिपुर, अगल बगल में ही है मायापुर का. तो वहाँ पे ही अपने वाइफ और फैमिली के साथ अद्वैत आचार्य रहते थे. तो बहुत ही महान वैष्णव थे. लेकिन जब अद्वैत आचार्य इस दुनिया को जब ऑब्जर्व किया, आसपास में ऑब्जर्व किया, तो उनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ. बहुत ही ज्यादा कष्ट हुआ उनको. क्यों कष्ट हुआ? वो अद्वैत आचार्य जब दुनिया को देखता था, अरे सब लोग मेटेरियलिस्टिक बन जा रहा है एकदम. सब लोगों का एक ही सिर्फ गोल है कि कैसे बस मेटेरियल गेन्स आर द ओनली गोल ऑफ लाइफ. ओनली इन परसूट ऑफ मेटेरियल वेल्थ एंड मेटेरियल प्रॉस्पेरिटीज, ऐसे करके पूरा जीवन बिता दे रहे हैं सब लोग. ये सब देख के अद्वैत आचार्य बहुत ज्यादा दुखी हो गया. बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया. वो सोचने लगा कि कैसे ये सब व्यक्तियों का उद्धार होगा. सब लोग क्या 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 रीति रिवाज कर रहा है. आज के दिन में भी हम लोग देख सकते हैं सरस्वती पूजा का नाम पे क्या क्या कर रहा है. सरस्वती देवी का आराधना तो दूर का बात है. जितना भी अपना इंद्रिय तृप्ति का चीज है वो देवी देवता का नाम पे चला दे रहा है. तो इसी तरीके से अद्वैत आचार्य बहुत बहुत दुखी हो गया था. वो सोचने लगा कि कैसे सबका उद्धार किया जाए. सो दिस इज द कॉम्पैशन ऑफ ए डिवोटी. एक वैष्णव का कॉम्पैशन है ये. तो भगवान से बहुत प्रे करने लगा. भगवान कृष्ण से बहुत ही प्रे करने लगा. शालिग्राम शिला जो भगवान से अभिन्न है, उनको तुलसी पत्ता से पूजा करता था अद्वैत आचार्य, और गंगा जल से पूजा करता था, और भगवान को बहुत ही जोर जोर से बुलाता था. बहुत ही जोर जोर से ऐसे बुलाता था, इतना जोर से भगवान को बुलाता था कि उनका शब्द पूरा मेटेरियल वर्ल्ड को पेनिट्रेट करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक वृंदावन में एंटर कर जाता था और भगवान का कान में पहुंच जाता था. भगवान कृष्ण का कान में इतना पावर था उनका प्रेयर में. इट वॉज नॉट ओनली मेटेरियली लाउड, इट वॉज स्पिरिचुअली लाउड, स्पिरिचुअली इंटेंस था. तो अद्वैत आचार्य यही प्रार्थना किया, ये जो कलयुग का जो जीवात्मा है, इन लोगों को आपके अलावा भगवान से, भगवान कृष्ण के अलावा कोई उद्धार नहीं कर सकता है. तो आप कृपया आइए, इस मेटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होइए और जीवों को उद्धार कीजिए. तो रो रो के प्रार्थना करते थे अद्वैत आचार्य. और उनका बात, उनका जो शब्द ध्वनि भगवान सुन के इतना रोना और इतना भक्ति उसमें था, उनका प्रेयर्स में, तो कृष्णा अपने आप को रोक नहीं पाया. भगवान कृष्णा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का रूप में अवतरण किया मायापुर नवद्वीप में. शची माता और जगन्नाथ मिश्र का बेटा का रूप में. जय जय अद्वैत ईश्वर अवतार, कृष्ण अवतारी कोइलो जगत निस्तार. तो कृष्ण जो अवतारी है और अद्वैत आचार्य अवतार है. महाविष्णु इज अवतार एंड कृष्ण इज अवतारी.
Chaitanya Mahaprabhu is avatari. But Nrisimhadev, Lord Vishnu, Lord Narayan, avatar. So avatari is Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Lekin Advaita Acharya avatar. Jaya Jaya Advaita Ishvara avatar. कृष्ण अवतारी कोई लो जगत निस्तार तो ये जो भगवान का अवतार है वही भगवान कृष्ण का ही अवतार है लेकिन इतना उनमें भक्ति था भगवान के प्रति कृष्ण के प्रति यद्यपि कृष्ण ही है तो कृष्ण आ गया उनके प्रेयर सुन के तो जब अद्वैत आचार्यों का जब माता पिता हाँ कुबेर पंडित और नभा देवी जब उनका जब चले गए तो अद्वैत आचार्य गया में गया पिंडदान करने के लिए और उसके बाद पूरा तीर्थ भ्रमण किया जितना भी होली प्लेसेस है सब भ्रमण किया जब भ्रमण करते करते जब वृंदावन धाम में आया तो भगवान का नाम और भगवान का चिंता में पूरा एब्जॉर्ब हो गया पूरा एवरी मिनट 24 आवर्स एब्जॉर्ब हो गया तो वहां पे आके मदन मोहन विग्रह का वो डिस्कवरी किया मतलब उसको पुनरुद्धार किया उसको उनको मिला तो ये मदन मोहन विग्रह को वो एक चौबे ब्राह्मण एक ब्राह्मण था मथुरा में तो उनको दिया ये मदन मोहन विग्रह को जब उनको मिला तो वो चौबे ब्राह्मण को जो मथुरा में निवास करते थे उनका हाथ में दिया तो इसी मदन मोहन विग्रह सनातन गोस्वामी का पूजित तो विग्रह है सनातन गोस्वामी का आराध्य विग्रह है राधा मदन मोहन सनातन गोस्वामी के बारे में हम लोग पहले चर्चा किए थे एक दिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो अद्वैत आचार्य के दो वाइफ थे एक जन के नाम था श्री और एक जन के नाम था सीता तो जोग माया देवी अद्वैता आचार्य के वाइफ श्रीमती सीता देवी के रूप में आया था और श्री कौन था श्री था ये सीता देवी का एक्सपेंशन प्रकाश एक्सपेंशन तो सीता देवी और श्री देवी इज एक्सपेंशन ऑफ सीता देवी तो टू वाइफ्स ऑफ अद्वैता आचार्य तो अद्वैत आचार्य के लड़कों के बारे में चैतन्य चरितामृत बोल रहा है एक लड़का का नाम था अच्युतानंद तो वो अच्युतानंद कौन था वो कार्तिक का अवतार था जो शिवजी का बेटा है कार्तिक उनका अवतार था कौन ये अच्युतानंद तो अद्वैत आचार्य जब वो भगवान स्वयं है सो लेकिन जब देख रहा है कि पूरा दुनिया में लोग एकदम समाज का लोग इतना ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गया इतना ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गया है जब भगवान को बुला रहा था अद्वैत आचार्य तब इतना रो रो के बुला रहा था लास्ट में ऐसा हो गया था कि एक टाइम में ऐसा हो गया था कि अभी अगर कृष्ण नहीं आएगा तो अद्वैत आचार्य सोच लिया था कि ये लोगों को उद्धार कोई नहीं कर सकता अगर भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आया तो मैं सुदर्शन अद्वैत आचार्य ऐसा सोचा कि मैं सुदर्शन चक्र उठा लूंगा और सबको मार दूंगा ऐसा तक लास्ट में ऐसा ही तक सोच लिया तो भगवान आ गया भगवान कृष्ण आ गया चैतन्य महाप्रभु का रूप में तो भगवान का कैसे भक्ति करना है भगवान का ही अवतार
ये हम लोगों को सिखा रहा है. तो अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु बहुत ग्लोरीफाई करते थे अद्वैत आचार्य को, बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे अद्वैत आचार्य को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से सीनियर था, 50-60 साल पहले आया था और माधवेंद्र पुरी पुरी से दीक्षा लिया था. मतलब जो माधवेंद्र पुरी से ईश्वरपुरी भी दीक्षा लिया था. ईश्वरपुरी है चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव. तो गुरु वर्ग में आता था चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य एक तरीके से अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के गुरु के समान था. तो बहुत ज्यादा भगवान चैतन्य महाप्रभु ये भी बोलते थे कि अद्वैत आचार्य के एसोसिएशन में हम प्यूरिफाइड हो गया, ये बोलता था भगवान चैतन्य महाप्रभु. और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था अद्वैत आचार्य को. तो चैतन्य महाप्रभु खुद बोलता था कि अद्वैत आचार्य के तरह भक्ति, भगवान के कृष्ण के प्रति भक्ति और किसी का नहीं है, कोई इक्वल नहीं कर सकता है. इनका एसोसिएशन से म्लेच्छ भी भगवान का भक्त बन गया. तो कितना उनका पावर है भक्ति का. तो अद्वैत आचार्य नृसिंह शालिग्राम शिला का पूजा करता था शांतिपुर में, और उनका विग्रह भी था मदन गोपाल, वो विग्रह पूजा करता था. तो इन द गैंजिस, गंगा जहाँ पे शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का जो घर था, अद्वैत आचार्य का जो श्रीपाठ था, तो उसका बगल में गंगा बहता था. अभी वो नहीं है, अभी गंगा दूर में चला गया है. गंगा क्या है, नदी, गंगा नदी अपना ट्रैक चेंज करता रहता है. तो पहले जब अद्वैत आचार्य का घर जहाँ पे है, अभी भी अद्वैत आचार्य का घर अभी भी कोई भी जा सकते है शांतिपुर धाम में, तो उसका बगल में गंगा बहता था पहले. तो उस जगह पे हरेक प्रति वर्ष में एवरी ईयर शांतिपुर फेस्टिवल होता है. तो शांतिपुर फेस्टिवल में कोई भी अद्वैत आचार्य के घर में जाके कोई भी अगर प्रसाद पाता है तो उसको कृष्ण प्रेम मिलता है, गारंटेड. तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का पहले शांतिपुर फेस्टिवल होता है, उस दिन बहुत भीड़ होता है. खिचड़ी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस्कॉन द्वारा, और हजारों के हजारों संख्या में लोग आते हैं खिचड़ी प्रसाद पाने, क्योंकि उस दिन कोई उधर पे बैठ के अगर प्रसाद पाता है अद्वैत आचार्य के घर के पास बैठ के, कोई अगर भगवान का प्रसाद पाता है, शांतिपुर फेस्टिवल अटेंड करता है, तो उसको कृष्ण प्रेम अवश्य मिलता है. तो भगवान कृष्ण अपने लीला में तो बहुत बिजी है, लेकिन अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु है, महाविष्णु सबको देख रहा है. महाविष्णु का शरीर से ही सब यूनिवर्स क्रिएट हुआ है. महाविष्णु सबको ऑब्जर्व कर रहा है. महाविष्णु ज्यादा कृपालु है. अद्वैत आचार्य इज मोर मर्सीफुल देन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान कृष्ण अपने लीला में मग्न है, लेकिन महाविष्णु सब ऑब्जर्व कर रहा है कौन सा यूनिवर्स में क्या चल रहा है, जीवात्मा कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है और सबके लिए सोच रहा है. सो अद्वैत आचार्य का कृपा से हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का कृपा मिल सकता है. यू शुड नॉट स्किप द मर्सी ऑफ अद्वैत आचार्य. ओनली बाय द मर्सी ऑफ अद्वैत आचार्य कैन वन गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड लॉर्ड नित्यानंद प्रभु. आज मैं सोच रहा था कि भगवान नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलूं, जिनका जन्मदिन है
14 फरवरी जो आने वाला है नित्यानंद त्रयोदशी के दिन, लेकिन कल को अद्वैत आचार्य का जन्मदिन है। तो मैं अगर अद्वैत आचार्य का लीला नहीं बोलूंगा, नित्यानंद प्रभु का लीला बोलूंगा, दैट इज कॉल्ड एज बाईपास, दैट इज कॉल्ड एज स्किपिंग, एंड दैट विल नॉट बी प्रॉपर। तो एक दिन में तो दो जन प्रभु का लीला बोलना मुश्किल है, तो अद्वैत आचार्य का ही लीला हम लोग आज श्रवण किए। तो अद्वैत आचार्य कल का उनका जन्मदिन है, कल को फास्टिंग है आफ्टरनून तक, तो आप लोग सब अद्वैत आचार्य से प्रे कर सकते हैं, ये हम लोग सब अच्छे से भक्ति कर पाए, और हम लोग दूसरे को भगवान के भक्ति के बारे में, भक्ति का मार्ग में ला पाए, और हम लोग अच्छे से श्रवण कीर्तन और भगवान का जो शास्त्र है, प्रभुपाद का जो बुक्स है, वो अच्छे से पढ़ पाए। वी कैन ऑल प्रे दैट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नरिश आवर सेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड गिव अदर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट शुड बी द प्रेयर टू लॉर्ड अद्वैत आचार्य, बिकॉज ही एग्जाम्पलीफाइड दैट। अद्वैत आचार्य खुद वही एग्जाम्पल सेट करके गया। तो मैं और एक जो कहानी मैं थ्रिलिंग कहानी जो मैं बोलने वाला था, तो वो मैं अभी बोलूंगा, लेकिन उसके पहले और एक छोटा सा चीज, एक चीज जो मैं सुना और जो मैं जान पाया, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो मैं बोलूंगा। एक भक्त था कृष्णदास बाबाजी महाराज, तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य थे, तो उनका लाइफ काफी बड़ा है, लेकिन एक एस्पेक्ट मेरे को बहुत ही ज्यादा गजब लगा। तो कृष्णदास बाबाजी महाराज यूज्ड टू चैंट 24 आवर्स अ डे, वी कैन नॉट इमिटेट हिम, 24 आवर्स अ डे यूज्ड टू चैंट, 24 आवर्स। तो एक बार जब बूढ़ा हो गया कृष्णदास बाबाजी, डॉक्टर आया, ये मैं उनका लाइफ का एक इंसिडेंट बोल रहा हूँ जो मैं सुन के बहुत ही मतलब गजब सा लगा। डॉक्टर आया, वो बूढ़ा हो गया, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से उसका हार्ट में, स्टेथोस्कोप से क्या करता है, सुनता है ना, है कि नहीं, हार्ट बीट सुनता है, लाप डाप ये सब सुनता है, हार्ट बीट कैसा चल रहा है, उसी से बीमारी का पता लगाता है कि नहीं। लेकिन ये कृष्णदास बाबाजी का हार्ट में जब स्टेथोस्कोप लगाया, तब लाप डाप नहीं सुना, हरे कृष्णा, वो डॉक्टर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र सुना। सो दिस इज अ वेरी फेमस इंसिडेंट इन हिज लाइफ। सो दिस चैंटिंग प्रोसेस इट्स नॉट ordinary process, it's not ordinary process, that very much striking thing that I felt. So I'm coming to that story. Ye bhi bhakti siddhanta saraswati thakur ka hi ek shishya ka story hai, बहुत ही थ्रिलिंग ये स्टोरी है। 1930 में ये चीज हुआ था, ये इंसिडेंट जो है 1930 में हुआ था। तो बेटा बंद कर दो दरजाटा, पूरी बंद कर दो, पूरी ठेला दो, जो आवाज ना आसे। ओके, तो 1930 का ये इंसिडेंट है, एक शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का
शिष्य उनके पास से दीक्षा लिया था 1933 में. वो गुवाहाटी आसाम से था. तो वो व्यक्ति, वो शिष्य भक्ति का जो प्रिंसिपल्स है वो अच्छे से फॉलो करता था. चैंटिंग, फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. तो फिर क्या हुआ, तो अच्छे से फॉलो कर रहा था, चैंटिंग कर रहा था. तो गुवाहाटी से था वो एक्चुअली. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो 1937 में चला गया, डिसअपीयरेंस हो गया उनका. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब चला गया इस दुनिया से, तो ये जो शिष्य था उनका, ये शिष्य उनका भक्ति का जो प्रैक्टिस है उसे डिविएट होने लगा. जब कोई बोलने वाला नहीं रहता तब क्या होता है कि डिविएट होने लगता है कि नहीं, भक्ति का प्रिंसिपल से डिविएट होने लगता है चीजें. तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चला गया तब ये डिविएट होने लगा. हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग बंद कर दिया, घटा दिया, बंद कर दिया, एकदम ही नहीं कर रहा था. और धीरे धीरे वो क्या हुआ, मेटेरियलिस्टिक बन गया और कर्म का बंधन में फंस गया फिर से. और जितने भी पाप कार्य है वो भी फिर से करने लगा. तो कर्म का बंधन में ऐसा फंसा कि ज्यादा दिन जी नहीं पाया. 5-6 साल के अंदर बहुत बीमार हो गया और मर गया. तो हिंदू ट्रेडिशन के वाइज जैसे जो डेड बॉडी को कहाँ पे लेके गया, शमशान घाट में लेके गया उसका डेड बॉडी को. तो इनका बॉडी को रखा गया शमशान घाट में. तो काट के ऊपर, जो काट है उसके ऊपर इसका उनका बॉडी को रखा गया. और उस काट में अग्नि देने का टाइम आ गया. सो जब अग्नि देने का टाइम आ गया उस काट में जिसका ऊपर उसका शरीर था, तो सडनली वो व्यक्ति उठ गया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नाम लेने लगा. तो लोग पूरा चौंक गया, एकदम पूरा चौंक गया, क्या हो गया, मुर्दा फिर से जग गया, अननेचुरल इंसिडेंट है ये, सब भाग गया, भूत है, भूत भूत बोल के सब भाग गया. तो ये व्यक्ति तो उठ गया है और ये व्यक्ति उसका गुरुदेव का नाम ले रहा है. वो चीता में ही उठ गया है और ये तो जिंदा हो गया है अभी. और जिंदा होकर फिर वो घर चला गया. वो ये व्यक्ति उसका घर चला गया. तो घर में जाके बोल रहा है कि हम और मेटेरियल लाइफ में नहीं जाएंगे, हम अभी सन्यास ले लेंगे, ऐसा बोल दिया गुरुदेव का वर्ड में विश्वास रख के. तो वो फिर सबने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हारा, तुम तो मर गया था, तुम जग कैसे गया, वो पहले बताओ. ठीक है, तुम अपना लाइफ अभी पूरा पूरी भगवान के शरणागत हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुआ क्या, ये कैसे हो गया, तुम तो मर गया था, कैसे जग गया तुम, फैमिली वाले पूछने लगा उसका. तो वो पूरा कहानी बताया कि जब वो स्पिरिचुअल लाइफ
जब छोड़ दिया था और फिर उसका जब मृत्यु का टाइम आ गया था तो यमदूत आ गया था, यमदूत। तो यमदूत उसको उसको आत्मा को लेके गया, खींच उसको खींच के लेके गया, यमपुरी में लेके गया और रास्ते में उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रहा था, बहुत ज्यादा प्यास लग रहा था। इतना वो यमदूत का जो रास्ता है, यमपुरी का जो रास्ता है, यमराज जहां पर रहता है उसका रास्ता का डिस्क्रिप्शन गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। बैतरणी नदी के होके ऊपर से होके गुजरता है और बहुत ही कष्टदायक एक्सपीरियंस होता है वो यमपुरी के यात्रा। मृत्यु के बाद क्या होता है इसका सब डिस्क्रिप्शन गरुड़ पुराण में है। तो जब यमदूत उसको लेके जा रहा था, वो पानी मांगा यमदूत से, तो वो यमदूत लोग उसको उसको ब्लड पीने को बोला। नीचे नदी था वैतरणी नदी का, उसमें सिर्फ ब्लड बहता है, पानी नहीं बहता है उस नदी में, ब्लड। वो पीने को बोला, ये देखा नहीं पिएंगे, कैसे कैसे पी सकते हैं सब, ब्लड और वॉमिट बहता है बैतरणी नदी से। और नीचे दिखा है पीना है पानी, पी लो पानी इधर से, और नहीं नहीं पी सकते। तो ऐसे ही भूखा प्यासा होके फिर वो यमपुरी में गया। तो यमपुरी में जब गया उसको लाइन में खड़ा किया गया, तो लाइन में एक के बाद एक आता है, मतलब उधर पे लाइन लगा हुआ रहता है, एक के बाद एक का ट्रायल होता है। और चित्रगुप्ता यमराज का सेक्रेटरी, उनके पास जो सुपर कंप्यूटर है, बहुत तगड़ा सुपर कंप्यूटर है वो, एक के बाद लाइन में आता है। अच्छा ठीक है, इसका यमराज बोलता है इसका अकाउंट खोलो। और चित्रगुप्ता खटाखट मारता है, फिर इसका अकाउंट निकल जाता है। क्या किया ये किया है सारा जीवन। तो चित्रगुप्ता, उनका नाम भी वैसे ही आया चित्रगुप्ता, चित्र मतलब फोटोग्राफ, गुप्ता मतलब गोपन, छिपा हुआ, छिप छिप के सबका लाइफ का सब फोटो ले रहा है चित्रगुप्ता, और उसका सुपर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। और चित्रगुप्ता का 13 एजेंट है जो हर एक पिक्चर को क्लिक कर रहा है, हर एक लाइफ का हर एक मोमेंट को पिक्चर को क्लिक कर रहा है, और वो एजेंट के माध्यम से 13 को कैमरा है, और 13 कैमरा है, वो सीसीटीवी कैमरा होता है ना जैसे लगा हुआ रहता है ऑफिस में, चित्रगुप्त का 13 कैमरा है। श्रीमद भागवतम में दिया है क्या क्या है 13 कैमरा, वो हम नहीं जा रहे उसमें, 13 कैमरा तो चित्रगुप्ता। तो 13 कैमरा से लाइव का हर एक पल का इंफॉर्मेशन उसका सुपर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। तो इसका जब टर्न आया लाइन में खड़ा हुआ, इसका जब टर्न आया तो इसको स्पेशल केस का रूप में देखा गया। जब चित्रगुप्ता उसका उसका अकाउंट ओपन किया तो ये स्पेशल केस निकला, क्योंकि भक्ति किया था ना, उतना ऑर्डिनरी नहीं था ना, भक्ति किया था, फिर बाद में छोड़ दिया था चैंटिंग करना। तो चित्रगुप्ता जब सुपर कंप्यूटर में देखा, यमराज को बोला कि ये स्पेशल केस है, ठीक है, तो उसको बहुत डर लग रहा था वहां पे, सब लोग उधर पे है, एक के बाद एक का ट्रायल हो रहा है, यमराज ट्रायल कर रहा है, ये सब देख के। तो उसका यमराज पूछा, तो यमराज पूछा कि ये क्या अच्छा काम किया पूरा जीवन में, तुम देखो तो क्या अच्छा काम किया। तो चित्रगुप्ता जो पहला पॉइंट बोला वो ये है कि ही गॉट इनिशिएटेड फ्रॉम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब नाम सुना यमराज ने, तब यमराज अपना आंख बंद किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्मरण किया। तो यमराज
इतना रेस्पेक्ट से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को याद किया, अपना आंख बंद करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे प्रकट हो गया। यमपुरी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ गया। जब ही स्मरण किया यमराज ने, आ गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो यमराज उनसे पूछा कि आपका शिष्य आपका इंस्ट्रक्शन ये फॉलो नहीं किया था, क्या करे इसके साथ। यमराज आस्क्ड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्या किया जाए, आपका शिष्य है, आप बोलिए, हम तो हम क्या बोले, आप बोलिए क्या किया जाए। वेरी रेस्पेक्टफुली ये आस्क यमराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे अपने शिष्य को डांटा कि क्यों तुम हरि नाम छोड़े थे, चैंटिंग क्यों स्टॉप किया था, क्यों तुम एंटी डिवोशनल एक्टिविटी में फिर से तुम एंगेज हो गया था, बहुत डांटा। तो क्षमा मांगा, गुरुदेव से क्षमा मांगा, बहुत क्षमा भिक्षा किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको बोला कि ठीक है, तुम फिर से अर्थ में जाओ और फिर से चैंटिंग स्टार्ट करो। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ही एक महान महान शिष्य थे, सन्यासी शिष्य। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बोला कि तुम फिर से अर्थ में चले जाओ और फिर से तुम उनसे दीक्षा लो और फिर से हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो उसी टाइम पे वो फिर से लौट गया, कहां पे, उसी शरीर में, जिस शरीर पे आग जलाने वाला था, शमशान घाट में शरीर पड़ा हुआ था, उस शरीर में आग जलने वाला था, मुखाग्नि होने ही वाला था, वो ही फिर से लौट गया आर्थ में, वो शरीर में फिर से आ गया और वो जिंदा हो गया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम लेने लगा। ये पूरा कहानी वो फिर अपना घर वालों को बताया। और उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे इंस्ट्रक्शन दिया था, उनके ही शिष्य और एक शिष्य से दीक्षा लिया और हरे कृष्ण महामंत्र बहुत बढ़िया से चैंटिंग किया और फिर भगवत धाम में चला गया। ये अजामिल का तरह ये कहानी है, सेकंड चांस का तरह ये कहानी है रियल लाइफ में। तो ये होता है गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा का स्ट्रेंथ यही होता है। दैट इज द पावर ऑफ एक्सेप्टिंग बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। यमराज टच नहीं किया, चैंटिंग छोड़ने के बाद भी बहुत सारा पाप कार्य किया था, लेकिन यमराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बुलाया क्या किया जाए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना कॉम्पैशनेट, उनको और एक मौका दिया और फिर से वो चैंटिंग चालू किया। सो देयरफॉर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मीन्ट फॉर सरेंडरिंग टू कृष्णा थ्रू द मीडियम ऑफ गुरु परंपरा। And therefore, human form of life, we should accept a bona fide spiritual master and under his instructions, chant the Hare Krishna Mahamantra and go back home, back to Godhead. So this is the basic instruction of Jagat Guru Srila Prabhupada. So we can remain convinced about this when we are regularly in touch with Srila Prabhupada's teachings. That is why philosophy is very important. So then we will remain enthusiastic for chanting Hare Krishna every day. So philosophy bhi lena hai aur practice bhi karna hai, dono hi karna hai. Aur practical devotional activities ko mein bhi engage hona hai. To jaise dekhiye online class itna din se chal raha hai, theek hai, online ka ek
एक लिमिटेशन भी होता है. ऑनलाइन में हम लोग फिजिकल एक्सपीरियंस उतना नहीं होता है, यद्यपि ये बहुत जरूरी है हियरिंग इन ऑनलाइन मीडियम, बट स्टिल वी कैन हैव द प्रैक्टिकल डिवोशनल एक्सपीरियंसेस व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट. तो उससे और भी पावरफुल एक्सपीरियंस हम लोग को मिल सकता है. तो देखिए जैसे कि हम अभी जा रहे हैं किस चीज के लिए, हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं. व्हाई दिस ट्रेनिंग इज नीडेड, हम तो कितना साल से 16 माला चैंटिंग कर रहे हैं बोलिए तो, 2014 साल से 16 माला कर रहे हैं, 2014 एंड टुडे इज 2022. आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा 16 राउंड्स एवरी डे ऑन बलराम जयंती ऑफ 2014, दैट इज अगस्त मंथ ऑफ 2014. Almost about it's going to be 8 years. But why I need training still? Why it is so much needed? सब कुछ अगर ऑनलाइन में ही हो जाता तब तो सब हो ही जाता ना. That doesn't mean that online is not required. But we need physical training also. Otherwise we will not remain, will not progress much. तो इसके लिए प्लान करना चाहिए सबको. जो भी जहां पे रह रहा है उसका घर को भी मंदिर का रूप में उसका विकसित किया जा सकता है. और जहां पर भक्त संघ है फेस्टिवल्स मनाना ये सब भी फिजिकली करना चाहिए, धाम पे जाना. देन ग्रेजुअली वी विल बिकम मैच्योर, ग्रेजुअली वी विल ग्रो in our spiritual life. Corona did not allow such thing for 2 years almost, but now hopefully corona lockdown will not come down further. So we can take advantage of practical devotional experiences. Seva karna, direct seva karna, uska bahut anand hota hai usme. Jitna bhi sun rahe hai aap log uska direct aapko wo uska ras milega jab direct aap seva kijiyega. हाँ, चैंटिंग सर्विस ऑल ऑफ यू आर डूइंग, दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस, दैट्स व्हाई यू आर स्टिल इन टच विद कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, बिकॉज यू आर डूइंग दिस सर्विस ऑफ चैंटिंग एवरी डे. लेकिन इसके अलावा भी और भी सर्विस करना चाहिए. इसलिए प्रैक्टिकल डिवोटी एसोसिएशन बना हुआ है. तो जैसे मैं पुणे में जाऊंगा उधर में प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस मैं करूंगा. बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना भगवान का मंदिर का, इसमें क्या है, इसमें क्या बहुत ज्यादा लज्जा पाने का विषय है क्या? और क्लास भी अटेंड करूंगा, चैंटिंग भी करूंगा, बुक रीडिंग शास्त्र अध्ययन भी करूंगा. तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये जो हम भगवान के बारे में दूसरे को बता रहे हैं ये भी एक सेवा है, प्रैक्टिकल सेवा. प्रीचिंग इज अ प्रैक्टिकल सर्विस. A practically coming, cooking for Krishna is a practical service. Cleaning vessels for Krishna, it is a practical service. Worshipping Krishna is a practical service. It's a practical service. जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको क्या होगा कि वो जो real जो भक्ति का जो real enjoyment है वो उतना नहीं मिलेगा. So therefore, we should take the opportunity more and more. And we are planning to give you more and more such opportunities. So here in this note, I end. So I will take question answers now.